सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आज ही के दिन निधन हुआ था हिंदी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले रांगेय राघव का। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो हम आपको बता दें, प्रेमचंद्र के बाद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं रांगेय राघव। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा, तीरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। रांगेय राघव हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभाओं रचनाकारों में से हैं जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन इन्होंने अल्प आयु में ही एक साथ उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक, नाटककार के रूप में स्वयं को प्रस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन करा दिए। रांगेय राघव ने 13 वर्ष की उम्र में लेखन कार्य शुरू किया। उनकी हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत भाषाओं में अच्छी पकड़ थी, साथ ही दक्षिण भारतीय भाषाओं तमिल और तेलुगु का भी उन्हें ज्ञान था। उनके साहित्य लेखन में मानवीय जीवन का दुख, दर्द व पीड़ा साफ देखा जा सकता था। रांगेय राघव प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक लेखक माने गए। रांगेय राघव को उनकी रचनाओं के लिए उनके छोटे से जीवन काल में कई पुरस्कार व सम्मान मिले। उन्हें वर्ष 1951 में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला, साथ ही डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्थान साहित्य अकादमिक सम्मान मिले हैं। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रांगेय राघव का निधन आज ही के दिन 12 सितंबर 1962 को महज 39 वर्ष की उम्र में कैंसर होने से हुआ था। तीरंदाज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।